सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करेंगे Vivo U10 वर्सेस Realme 5 स्मार्टफोन का, क्योंकि दोस्तों दोनों ही मोबाइल फोन पर हमें स्नैपड्रैगन 665 का SoC मिलता है। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों स्मार्टफोन में से आप लोगों के लिए बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है और आपको कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। तो दोस्तों ये सबको जानने के लिए बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को जरूर दबाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं मोबाइल फोन की डिस्प्ले से। तो ऐसे में Realme 5 स्मार्टफोन पर हमें 6.5 इंच की HD प्लस एक IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जहां दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें एक वाटर ड्रॉप नोच मिलती है। अगर हम Vivo U10 स्मार्टफोन की बात करें तो मोबाइल फोन पर हमें 6.35 इंच की HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलेगी और Vivo U10 स्मार्टफोन पर भी हमें एक वाटर ड्रॉप नोच देखने को मिल जाती है। यानी कि दोस्तों दोनों मोबाइल फोन पर हमें HD प्लस का रेजोल्यूशन मिलेगा और दोनों ही मोबाइल फोन पर हमें IPS LCD पैनल मिलता है। बट दोस्तों हमें एक बड़ी डिस्प्ले Realme 5 स्मार्टफोन पर देखने को मिल जाती है कंपेयर टू Vivo U10 स्मार्टफोन। अगर हम दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करें तो ऐसे में दोस्तों दोनों ही मोबाइल फोन पर हमें स्नैपड्रैगन 665 का SoC मिलेगा, जो 11 अनम टेक्नोलॉजी पर बेस है। यानी कि दोस्तों परफॉर्मेंस के मामले में दोनों स्मार्टफोन बराबर के है। वहीं अगर हम कैमरास की बात करें तो दोस्तों Realme 5 स्मार्टफोन पर हमें क्वाड रियर कैमरे का सेटअप मिलता है, जहां दोस्तों मोबाइल फोन पर मेन कैमरा मिलेगा 12 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी कैमरा मिलेगा 8 मेगापिक्सल का, वाइड एंगल सेंसर है, थर्ड सेंसर है 2 मेगापिक्सल का जो एक डेप्थ सेंसर है, और फोर्थ सेंसर है 2 मेगापिक्सल का जो एक माइक्रो सेंसर है। अगर Realme 5 की फ्रंट कैमरे की बात करें तो दोस्तों Realme 5 स्मार्टफोन पर हमें 13 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलेगा, जो एक वाटर ड्रॉप नोच के अंदर दिया गया है। वहीं अगर दोस्तों हम Vivo U10 स्मार्टफोन की बात करें तो ऐसे में दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप मिलेगा। जी हां दोस्तों, Vivo U10 स्मार्टफोन पर हमें क्वाड कैमरे का सेटअप नहीं बल्कि ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप मिलेगा, जहां दोस्तों मोबाइल फोन का मेन कैमरा है 13 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी कैमरा है 8 मेगापिक्सल का जो वाइड एंगल सेंसर है, और थर्ड सेंसर है 2 मेगापिक्सल का जो डेप्थ सेंसर है। अगर फ्रंट की बात करें तो दोस्तों वाटर ड्रॉप नोच के अंदर Vivo U10 स्मार्टफोन पर हमें 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलेगा। ओवरऑल दोस्तों Realme 5 स्मार्टफोन पर हमें एक सेल्फी कैमरा बेटर देखने को मिल जाता है कंपेयर टू Vivo U10 स्मार्टफोन, क्योंकि Vivo U10 स्मार्टफोन पर हमें सिर्फ 8 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा मिलता है। और दोस्तों Realme 5 स्मार्टफोन की तरफ एक प्लस पॉइंट यह है कि क्योंकि मोबाइल फोन पर हमें 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर भी देखने को मिलता है, जो हमें Vivo U10 स्मार्टफोन पर देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर हम बैटरी की बात करें तो दोस्तों दोनों मोबाइल फोन पर हमें 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, लेकिन दोस्तों Realme 5 स्मार्टफोन पर हमें फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, जो हमें Vivo U10 स्मार्टफोन पर मिलता है। यानी कि दोस्तों Vivo U10 स्मार्टफोन पर हमें 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो इस प्राइस रेंज में पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा। और दोस्तों दोनों ही मोबाइल फोन पर हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 9 पाई, दोनों मोबाइल फोन पर हमें फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मोबाइल फोन के रियर साइड पर मिलेगा। और दोस्तों Realme 5 स्मार्टफोन पर हमें कलर OS 6.0 मिलेगी और Vivo U10 स्मार्टफोन पर हमें फ्रंट टच OS देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल दोस्तों दोनों मोबाइल फोन की स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दी है। तो अब बात करते हैं मोबाइल फोन के प्राइसिंग की। तो ऐसे में दोस्तों Vivo U10 स्मार्टफोन के प्राइस 8,990 से स्टार्ट होते हैं, जहां दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें 3GB रैम प्लस 32GB स्टोरेज मिलेगा। वहीं दोस्तों Realme 5 स्मार्टफोन के प्राइस 9,999 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि दोस्तों Realme 5 स्मार्टफोन Vivo U10 से 1,000 ज्यादा है। तो ऐसे में दोस्तों Realme 5 स्मार्टफोन पर हमें कुछ बेहतरीन स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है। जैसे दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें रियर साइड पर 2 मेगापिक्सल का एक माइक्रो सेंसर मिलता है और 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, लेकिन दोस्तों Realme 5 स्मार्टफोन पर हमें फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। अगर दोस्तों आपके लिए सेल्फी कैमरा मैटर नहीं रखता है तो ऐसे में दोस्तों आपके लिए Vivo U10 एक बेस्ट स्मार्टफोन है, क्योंकि दोस्तों इस मोबाइल फोन पर भी हमें स्नैपड्रैगन 665 का SoC मिलता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों Vivo U10 स्मार्टफोन भी आपके लिए एक बेस्ट स्मार्टफोन रह सकता है, क्योंकि दोस्तों इस पर हमें कम प्राइस में 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों Vivo U10 भी एक बेस्ट स्मार्टफोन है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को जरूर दबाएं।